माननीय मंत्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैसे पूरा करेगा ये? इसके अगल बगल में आप लोग जानते सब बिहारी लोग हैं। सुनील श्रीवास्तव वो हमारे बोरियो विधानसभा क्षेत्र में बोरियो प्रखंड में जेई था, बिहार का रहने वाला है। अभी वही आगे पीछे सुप्रिया भट्टाचार्य, ये भी बिहारी बाहर का है। विनोद पांडे ये भी है, और उसके साथ जो रहता है पिंटू वो भी बिहारी है। अरे इतना बड़ा झारखंड में यहां का आदिवासी गोलवासी पढ़ा लिखा आदमी नहीं मिला। जो चुनाव में मैनिफेस्टो में था, उस मैनिफेस्टो को देखा करके सुना करके कि ये सारा चीज हम जीतेंगे तो हमारी सरकार फिर हम पूरा करेंगे, आस्था नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, पैसा लागू करेंगे, कुछ नहीं हुआ है। तो इसका मतलब झारखंड के लोगों को आपने ठगने का। झारखंड मुक्ति मोर्चा में कुछ लोग ऐसे हैं जो दलाली करते रोक के साथ दलाली करते, और ये भी अंदर से बोलता है लोपी ढमरम क्या कर रहे। आप ही ने चुनाव से पहले कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो यहां के नौजवानों को हम 6 महीने के अंदर में हम रोजगार देंगे, वो भी आप ही ने कहा था। और आप ही ने कहा था, आप भी मान लेना कि हमारी सरकार बनेगी सीएनटी एक्ट एसपीटी एक्ट हम सख्ती से लागू करेंगे, लॉबी नंबर नहीं बोला था। और आपने कहा था कि यहां के नौजवानों को 25 करोड़ का ठीक है मिलेगा, ठीक है। आज अगर हम बोलते हैं तो बोलता है लॉबी नंबर पार्टी विरोधी, पार्टी विरोधी सरकार के विरोध में बोलता है, जो सरकार विरोध में बोला क्यों नहीं बोले आप ही बताइए। आज हमको हाथ उठा के हम बोले कि नहीं बोले, बोलता है कि पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अरे पार्टी से निकालो, हिम्मत है तो निकालो, क्यों तरी कर रहे हो? लोभी ढमरों को टिकट का जरूरत नहीं, सारे लोगों ने दरवाजा खोल के रखा, आओ बाहर या आओ हजू पे बाहरे वाला, और झारखंड को चरागाह बना। गुरु जी को मैं दोष नहीं दूंगा, गुरु जी ने जो चाहा था वो पूरा नहीं हुआ, और पूरा क्यों नहीं हुआ? उसका बेटा माननीय मंत्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैसे पूरा करेगा ये? इसके अगल बगल में आप लोग जानते सब बिहारी लोग हैं। सुनील श्रीवास्तव वो हमारे बोरियो विधानसभा क्षेत्र में बोरियो प्रखंड में जेई था, बिहार का रहने वाला है। अभी वही आगे पीछे सुप्रिया भट्टाचार्य, ये भी बिहारी बाहर का है। विनोद पांडे ये भी है, और उसके साथ जो रहता है पिंटू वो भी बिहारी है। अरे इतना बड़ा झारखंड में यहां का आदिवासी गोलवासी पढ़ा लिखा आदमी नहीं मिला।